माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था फजांस रूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फजांस रूल वो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी के प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे एंड कंप्लीट लेक्चर आप वहाँ से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। एंड हाँ, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी पीडीएफ नोट्स हैं एंड बुक पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीज़ें ऐप पर दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी जा रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। कैसे मिलेगी लास्ट में हम बताएंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी कहाँ से। पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बताएंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन में कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ ए केटायन डिपेंड्स ऑन आयनिक पोटेंशियल विच इज एक्सप्रेस्ड एज। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो पोलराइजिंग पावर होता है किसी भी केटायन का, जो पोलराइजिंग पावर होता है दैट्स डिपेंड ऑन आयनिक पोटेंशियल, वो किस पर डिपेंड होता है, आयनिक पोटेंशियल पर, विच इज एक्सप्रेस्ड एज, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है फाई के द्वारा। मतलब आयनिक पोटेंशियल को आप लिखते हो फाई, तो आप यहाँ पर लिख पाओगे आयनिक पोटेंशियल को दैट्स फाई। आयनिक पोटेंशियल हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। इट मींस दैट अगर किसी भी केटायन के पोलराइजिंग पावर की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आयनिक पोटेंशियल पर। अब आयनिक पोटेंशियल जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे किसी भी केटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और किस केटायन का पोलराइजिंग पावर कम है। अगर हम उसका आयनिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे तो हम यहाँ पर बता पाएंगे कि किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, किस केटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो आयनिक पोटेंशियल निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, तो आप लिख लेंगे जो आयनिक पोटेंशियल होता है, आयनिक पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑन केटायन, रेडियस ऑफ केटायन। चार्ज ऑन केटायन कितना होता है, मान लेते हैं जेड प्लस डिवाइड बाई रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर प्लस प्लस इसलिए क्योंकि ये केटायन है, आयनिक पोटेंशियल निकालना आप जान गए। आयनिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ केटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ केटायन। जितना ज़्यादा रेडियस होगा किसी केटायन का उतना कम आयनिक पोटेंशियल होगा, या फिर जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी केटायन पर उतना ज़्यादा आपका आयनिक पोटेंशियल होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। आपने यही तो पढ़ा था कि अगर किसी भी केटायन का साइज कम उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, वैसे ही किसी भी चार्ज का अगर रेडियस कम है तो उसका आयनिक पोटेंशियल भी ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो आयनिक पोटेंशियल होगा, दैट इज ए प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, केटायन के पोलराइजिंग पावर के जस्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब समझ पा रहे हो, जितना ज़्यादा आपका पोलराइजिंग पावर तब बढ़ेगा जैसे जैसे आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सिंपल सा है। तो जो आपका पोलराइजिंग पावर है किसी भी केटायन का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे, आयनिक पोटेंशियल पर, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आयनिक पोटेंशियल पर। यहां पर लिखेंगे आगे, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट सुन हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए यहां पर आगे बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इफ टू एलिमेंट हैव सेम आयनिक पोटेंशियल, यदि किसी भी दो एलिमेंट्स के पास सेम आयनिक पोटेंशियल है, टू एलिमेंट हैव सेम आयनिक पोटेंशियल, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सिमिलर। या फिर हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट कहें, दो केटायन कहें, किसी भी दो केटायन का अगर आयनिक पोटेंशियल सेम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। मान लो दो आपने रखा, कोई भी दो केटायन रख लिया, कोई भी दो एलिमेंट रख लिया, उसका आयनिक पोटेंशियल लगभग लगभग सेम आ रहा है, एक का मान लो 6 आ रहा है, का लगभग लगभग 6.2 6.3 आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, दोनों स्टैंड आउट कर रहे हैं, लगभग लगभग सिमिलर हैं। अब जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो लगभग लगभग, फिजिकल तो कम करती, केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा वो सिमिलरिटी दिखाती है, फिजिकल तो नहीं दिखा पाते, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। तो आगे हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड।
कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इसमें हम देखते हैं कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड में कि हाइयर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, देयर पोलराइजिंग पावर विल आल्सो बी मोर। ये तो हमने आपको बताया है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आयनिक पोटेंशियल की, उतने ज़्यादा किसी भी कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। हाइयर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, देयर पोलराइजिंग पावर विल आल्सो बी मोर। ठीक है, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग, जितनी ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल होगा किसी भी कैटायन का, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर भी उसकी ज़्यादा होगी। आगे क्या बताया जा रहा है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल। मतलब आपने पहले तो यह समझा कि जितना ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। अब आप कह सकते हो अगर आपको एक पीरियाडिक टेबल में बात की जाए तो वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसका जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगर मैं बात करूँ पीरियड की लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है, एंड ग्रुप की बात करूँ ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर जो इसका आयनिक पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मैं कारण भी आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता क्या है, फाई इज इक्वल टू जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस। मैं सबसे पहले पीरियड की बात करूंगा, ये याद रखना, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, पीरियड की। अभी इसको हटाओ, ग्रुप को हटाओ, मैं सबसे पहले पीरियड को समझा रहा हूं। एक बात तो आपको समझ गई कि लेफ्ट राइट जाने पर आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है पीरियड में, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर आपका आयनिक पोटेंशियल घटता है, ये आपने समझा। अब मैं बारी बारी से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं पीरियड ले रहा हूं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा वो देखिएगा, क्योंकि आप जानते हो फाई इज इक्वल टू जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस होता है कि नहीं होता है, जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस होता है, दिस इज फाई। अब आप यहां पर बता सकते हो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो चार्ज होता है वो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री के हिसाब से बढ़ता है। जैसे मैं एस ब्लॉक की ही बात कर लूं, सपोज दैट आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जैसे कोई भी ले लो, आप एक एल्कली मेटल ले लो और एक हमारा एल्कली अर्थ मेटल ले लो, ये रहा आपका पीरियडिक टेबल। ठीक है, ये एल्कली मेटल है और ये एल्कली अर्थ मेटल है, इस पर प्लस वन चार्ज होता है ना, प्लस वन चार्ज होता है, इस पर प्लस का टू चार्ज होता है, प्लस का टू चार्ज, मतलब जस्ट एक चार्ज का जंप आता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, एक चार्ज का जंप आता है, एक चार्ज बढ़ता है। तो हम यहां पर बोल पाएंगे कि जेड यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन रेडियस जो होता है बहुत कम आता है, रेडियस जो होता है बहुत कम आता है। जैसे आपको मैं समझाने के लिए बता दूं यहां पर क्या होता है, यहां पर समझो अगर हाइड्रोजन लिथियम यही होता है, अब लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, लिथियम पे प्लस वन चार्ज है, बेरिलियम पे प्लस टू चार्ज है। अब लिथियम और बेरिलियम में कितना ज्यादा साइज का अंतर होगा, बहुत सूक्ष्म का साइज का अंतर होगा भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ना उसका, बहुत छोटा सा साइज का अंतर होगा। तो साइज जो है बहुत कम अंतर आता है साइज में, जबकि चार्ज में काफी बड़ा जंप है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इस प्रकार से। तो आप ये कहोगे कि क्योंकि चार्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अब ये क्या कहोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये जेड, जब जेड प्लस ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, आर प्लस कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव में जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फाई विल आल्सो बी इंक्रीजेज। लेकिन यही कंडीशन अगर मैं फॉलो करूं आपके ग्रुप में, यही सेम कंडीशन मैं फॉलो करूं आपके ग्रुप में, ग्रुप को क्या बताया जा रहा है, ग्रुप में आपको बताया जा रहा है कि अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पे फाई आपका डिक्रीज होता है। अब इसका कारण क्या है, सिंस वी नो दैट जो फाई की वैल्यू आती है दैट्स इज इक्वल टू जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस, ये हम सभी जानते हैं, हमने अभी बताया जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस। अब हाइड्रोजन लिथियम, इसके बाद सोडियम आता है ना, Na+,
लिथियम और सोडियम आता है। क्या चार्ज में कोई अंतर आया ऊपर से नीचे आने पर? जितना हाइड्रोजन पे चार्ज था, जितना लिथियम पे चार्ज है, उतना सोडियम पर भी चार्ज है, उतना पोटेशियम पर भी चार्ज होगा। क्या कुछ अंतर आ रहा है? नहीं अंतर आ रहा है। टॉप टू बॉटम आने पर मतलब जो चार्ज है वो सिमिलर ही रह जाएगा, जेड प्लस है तो जेड प्लस ही रह जाएगा। आर में डिफरेंस बहुत बड़ा है। लिथियम क्या है? लिथियम तीन है, एलआई थ्री, टू कामा वन, जबकि सोडियम क्या है? 11, दो कामा आठ कामा एक है। अब आप बताओ लिथियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा देखोगे? ये आपका न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर होगा। बट यही चीज अगर आप सोडियम में देखोगे, सोडियम में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, फिर आठ इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर एक सेल ज़्यादा हो जा रहा है, ये नेक्स्ट सेल में आ रहा है, दैट इज़ ए वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सेल का जंप है, साइज में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है लेकिन चार्ज में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। जब चार्ज में कोई अंतर आ ही नहीं रहा तो आप क्या बोल पाओगे कि साइज आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आयनिक पोटेंशियल घटता जाएगा। तो यहाँ पर आर प्लस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बट जेड प्लस नहीं बढ़ रहा है, तो फाई हमारा क्या होता है? पीरियड ग्रुप में डिक्रीज हो जाता है। फिर से अगर मैं बात करूं पीरियड की, लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज आपका जंप करता है, जब चार्ज ज्यादा तेजी से बढ़ता है कंपेरेबल टू आपका साइज। साइज तो बहुत छोटा सा होता है क्योंकि लिथियम के बाद बेरिलियम बहुत छोटा सा साइज बढ़ेगा, बहुत छोटा सा, लेकिन चार्ज में जंप आ रहा है, चार्ज में जंप आ रहा है, तब जाकर आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा और पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम आने पर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, आयनिक पोटेंशियल घटेगा। कारण क्या है? क्योंकि आपकी साइज बढ़ रही है, चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। किसी की बात कर लो, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बात कर लो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बात करो, सबकी बात मैं कर रहा हूं। ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है वो बढ़ जाती है बट चार्ज सिमिलर ही रहता है, प्लस वन जिस पे है प्लस वन ही रहेगा। एल्कली अर्थ मेटल देख लो, प्लस टू चार्ज दिखाता है, सभी के सभी प्लस टू चार्ज ही दिखाते हैं। इसी प्रकार से बातें समझ में आई, क्लियर हुआ? नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। सबको समझ में आ गया ना? क्लियर हो रहा है सबको? बहुत बढ़िया। चलो डायगोनल रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट आता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब आप क्या कहोगे डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? दोज एलिमेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस पॉइंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगा दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या समझिएगा, मैं एक बार लिखने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। दोज एलिमेंट्स यहाँ पर देखिएगा, दोज एलिमेंट्स विच हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल, ऐसे एलिमेंट जिसके पास लगभग सेम आयनिक पोटेंशियल होते हैं, सो डायगोनल रिलेशनशिप, वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास आयनिक पोटेंशियल लगभग सेम आ रहा है तो वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है एक Be प्लस टू और एक है हमारे पास Al प्लस थ्री। Be प्लस टू के लिए अगर हम मैं फाई निकालूं तो इसके लिए जो फाई आता है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली बात तो जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस। बेरिलियम प्लस टू का जेड क्या होता है? मतलब इस पे बेरिलियम प्लस पे चार्ज कितना आता है? दो डिवाइड बाई, बेरिलियम का जो रेडियस होता है 0.31 होता है, इक्वल टू 6.4 आया। एंड Al प्लस थ्री की मैं अगर बात करूँ तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस थ्री आ जाएगा डिवाइड बाई आर की वैल्यू, Al की वैल्यू कितनी होती है 0.5, मतलब रेडियस जो होता है 0.5 होता है ये Al का। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये लगभग आ जाएगा आपका 6.0 के बराबर, ये लगभग क्या इक्वल ही आएगा 6.0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम का जो आपका फाई की वैल्यू है वो लगभग सिमिलर है, उसका 6.4 इसका 6.0 लगभग सिमिलर है। ऐसा तो है नहीं कि इसका 6 है उसका 8 है, उसका 6 है उसका 10 है, ऐसा नहीं है। 6.4, 6.3, 6.2 वो नियर बाई इक्वल होते हैं। तो आप बताओगे कि फाई ऑफ, यहाँ पर लिखोगे एक सेकेंड कि जो बेरिलियम का फाई है वो लगभग इक्वल है एल्युमिनियम के फाई के बराबर। तो आप कह सकते हो हेंस
बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम सो डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, हाँ या ना? ये क्या शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, नोट कर लीजिए, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर होता है, नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं, नोट करिए, आगे चलें। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड क्या होता है? यहां पर बताया जा रहा है कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस इन आयनिक कंपाउंड्स, जो कोवेलेंट करेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड में वो इंक्रीज करता है, बाय इंक्रीजिंग पोलराइजेशन कॉन्सिक्वेंटली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस इन आयनिक कंपाउंड बाय इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, वैसे वैसे आपका कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज करता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली और तुरंत ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तुरंत ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दैट, पहली बात तो याद रखो, अगर चार्ज बढ़ेगा तभी आपका पोलराइजेशन बढ़ेगा, जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तभी आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, याद करना, ठीक है? जब आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा आपका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, एंड कोवेलेंट करेक्टर जब बढ़ेगा तब आप कह सकते हो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? पहली बात आपने क्या समझा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तुरंत ही आपका, चार्ज बढ़ने के साथ साथ आयनिक पोटेंशियल भी बढ़ता है, आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है तो आपका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, जब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट घटती है, याद हुआ? चलो हम यहां पर लिखेंगे कुछ पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूल, एक फिर लिख रहे हैं हम चार्ज ऑन केटायन, फिर मेल्टिंग पॉइंट। यहां से आपको समझ में आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल में हम ले रहे हैं क्या क्या, जैसे आप NaCl, MgCl2, जिसके चार्ज बढ़ रहे हो हम उसी को दिखाएंगे, एंड फिर AlCl3। तो अब आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि Na पे कितना चार्ज है, +1, Mg पे +2 चार्ज होता है, Al पे +3 चार्ज होता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका आयनिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, आयनिक पोटेंशियल जैसे बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल, प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, ये चारों चीज आपस में प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली, एक बढ़ता है तो सभी बढ़ते हैं, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, इट मीन्स दैट NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। नमक को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं कर सकते हो, उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना पड़ता है। कभी एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो NaCl होता है वो नॉर्मल कहीं पर मेल्ट नहीं होता है, उसके लिए एक अलग सी भट्टी बनानी पड़ती है जिसमें वो मेल्ट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर उसको दिया जाता है, लगभग 800-850 इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, 800 के ऊपर ही मेल्ट होता है, 800 के नीचे मेल्ट नहीं होता। फिर 71.5 डिग्री सेल्सियस MgCl2 का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और AlCl3 का तो बिल्कुल है ही नहीं, सब्लिमेशन है, दिस इज सब्लिमेशन। मतलब आपने समझा कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्या इतना समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है? नहीं, सिंपल है, इतना तो आप समझ ही जाओगे, क्लियर है? चल नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक स्क्रीन शॉट्स हटाएं। सॉल्युबिलिटी, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसमें देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी डन। पोलराइजेशन के हेल्प से कंपेरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड को और उसके बारे में एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलती है हमें, किसके द्वारा, पोलराइजेशन के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, Among the क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल ओनली AlCl इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज बिकॉज स्मॉल केटायन ऑफ Al प्लस पोलराइज मोर Cl- आयन। मतलब अगर मैं बात करूं कि Among the क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल,
एल्कली मेटल में अगर मैं बात करूं तो ओनली LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊं तो जैसे NaCl होता है और NaCl MgCl2 एंड LiCl हो गया, तो जो Li होता है, जो LiCl हो, क्योंकि अब देखो एक बात और समझो, NaCl तो हमने लिया ही था, NaCl ठीक है, NaCl एंड यहाँ पर हम AgCl भी ले सकते हैं, AgCl भी ले सकते हैं, LiCl, Li का सबसे छोटा होता है, Li क्या है, सबसे छोटा है, तो ये Cl को ज़्यादा पोलराइज कर पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि among the क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल ओनली LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज बिकॉज स्मॉल कैटायन Li प्लस पोलराइज मोर Cl माइनस आयन। जितना ज़्यादा किसी भी आयन को जो कैटायन पोलराइज कर पाएगा वो उतनी जल्दी किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे आप NaCl डाल दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मैं NaCl ले लिया एंड LiCl ले लिया, तो दोनों में से क्लोरीन को कौन ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, NaCl की LiCl, LiCl बिकॉज Li कैटायन हैव लेस साइज देन द सोडियम, Li का जो साइज है वो छोटा है सोडियम की अपेक्षा, सो इट विल बी मोर पोलराइज क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन को ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा कंपेरेबल टू सोडियम ड्यू टू द स्मॉल साइज। अब आप कहोगे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने की तो ये जल्दी घुलेगा LiCl, LiCl ज़्यादा सॉल्वेंट में घुल जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपेरेबल टू NaCl। अगर आप नमक को पानी में डालते हो तो क्या तुरंत घुल जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़े टाइम बाद घुलता है, बट LiCl जल्दी घुल जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वो क्लोरीन को ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा तेज़ी से वो पोलराइज कर पाता है और ज़्यादा पोलराइज कर पाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से वो घुलनशील होता है। सो इतना नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं कलर पर, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ यहां तक, चलो आगे बढ़े कलर पर। हाई वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट्स है उसका जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, हाई द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलर देता है वो पोलराइजेशन से कलर आता है, हाई पोलराइजेशन होता है ये डिपेंड करता है, मतलब कलर चेंजिंग जो होता है वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन पर, कैसा पोलराइजेशन हो रहा है। यहाँ पर लिख रहा है कि AgCl इज वाइट व्हाइल AgBr इज येलो, AgCl हमारा व्हाइट होता है, आप सभी जानते हो AgCl, अगर न देखे हो तो आप सर्च करके देख लीजिए, AgCl आपका व्हाइट होता है, जबकि AgBr जो होता है दैट्स योर पेल येलो, ये पेल येलो होता है, ठीक है, AgCl आपका व्हाइट है, AgBr आपका येलो है। कारण क्या है कि एज द साइज ऑफ ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्लोराइड, क्योंकि ब्रोमाइड का साइज जो है क्लोराइड के अपेक्षा ज़्यादा है, दस AgBr इज मोर पोलराइज देन द AgCl, इसलिए AgBr ज़्यादा पोलराइज होता है AgCl के कंपैरिजन में, क्योंकि जिसकी ज़्यादा किसकी कैटायन की साइज कम होगी तब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, एनायन की साइज ज़्यादा होगी तब ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। तो AgBr Ag दोनों में है, क्लोराइड की साइज छोटी है, ब्रोमाइड की साइज बड़ी है, जिसकी साइज एनायन की बड़ी होती है वो ज़्यादा जल्दी पोलराइज हो जाते हैं, तो पोलराइजेशन इसकी ज़्यादा है, इसलिए ये येलो है और इसलिए ये वाइट है। तो कलर भी डिपेंड करता है किस पे, पोलराइजेशन पर। नोट करिए हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड देखते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन चलो आगे अगर बढ़े नेचर ऑफ बॉन्ड में देखेंगे कि AlF3 इज आयनिक, जो आपका AlF3 होता है वो आयनिक होता है, बट AlCl3 इज कोवेलेंट, मतलब जो AlF3 है आपका AlF3 दिस इज योर आयनिक, बट AlCl3 दिस इज योर कोवेलेंट। कारण क्या है, ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ क्लोराइड आयन विच इज इजली पोलराइज एंड AlCl3 इज कोवेलेंट, क्योंकि क्लोराइड का साइज बहुत बड़ा है, क्लोराइड का साइज अगर मैं दिखाऊं तो ये दिस इज Cl एंड दिस इज F, क्लोराइड का साइज फ्लोराइड के अपेक्षा बड़ा है, तो ये ज़्यादा जल्दी पोलराइज हो जाएंगे, क्लोराइड जो ज़्यादा जल्दी पोलराइज हो जाएगा तो वो कोवेलेंट करेक्टर दिखाएगा, क्योंकि इसमें मोर पोलराइजेशन होगा,
मोर पोलराइजेशन देन ए एल एफ थ्री। क्लियर? बोलो आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कल हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो नोट डाउन करिए इतना। सो आज का लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, डाउनलोड टीच स्टीम ऐप ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बुक पीडीएफ एंड आपको अगर हैंड रिटन नोट चाहिए, पीपीटी के सारे नोट चाहिए, सारी चीजें आपको उस टीच स्ट्रीम ऐप पर मिलेंगे। और आपको मिलेगा कैसे ये आप जान लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी जा रही है ऐप की, आप जाकर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास तीन इस समय लाइव बैचेस चल रहे हैं, एक तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक मैथमेटिकल फिजिक्स। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, जितनी की आप बुक खरीदते हो उतने की ही आपको सारी बैचेस मिल जा रही हैं। फ्लैट 50% ऑफ अभी के लिए है, जल्द ही ये ऑफर जा सकता है, इसलिए अभी डाउनलोड करके देख लीजिए कि ऑफर है या नहीं है। ऑफर अभी के लिए चल रहा है तो अभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि सबसे पहले तो आपको बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी, आपको पूरी बुक की पीडीएफ मिलेगी, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ नोट्स मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के बाद आप उसे रिकॉर्ड भी देख पाओगे, प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी सीरीज चलेंगे, रिविजन क्लासेस अलग से चलाई जाएंगे, साथ ही साथ आपके वहां पर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया है आपके एग्जाम में वो भी कराया जाएगा, एंड मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ एक बार जब पूरा आपका किताब कंप्लीट हो जाए, पहले तो एक बार चैप्टर तो जैसे कंप्लीट होगा आपका एक बार रिवीजन होगा, पूरी बुक जब कंप्लीट होगी उसका भी एक बार रिवीजन होगा, पूरी बुक का रिवीजन होगा, प्लस में क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। इतनी सारी फैकल्टी आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में दी जा रही है, जितनी कि आप बुक खरीदते हो, तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आप जाइए जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैथ और फिजिक्स की बात करें, मैथ में कंप्लीट सॉल्यूशन कौन कराता है? कोई नहीं कराता, तो वहां पर कंप्लीट एक्सरसाइज कराया जाएगा। एक एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका एग्जांपल नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जांपल भी सारे सॉल्व कराए जाएंगे। फिजिक्स में भी सारी चीजें सॉल्व कराए जाएंगे। अगर एक एक्सरसाइज में 30-40 न्यूमेरिकल है, 30-40 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में ही आती है। स्टेटमेंट्स तो सभी बता देते हैं कि ऐसा 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 है, लेकिन वहां पर सारे डेरिवेशन, सारे थियरी और पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल एग्जांपल कोई नहीं बताता। वो चीजें आप सिर्फ 499 में बाय कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।